नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। की खबर बागपत से आ रही है। घर में घुसकर मारपीट और महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई ना होने से खफा एक परिवार सदस्यों ने अपने मकान के बाहर पोस्टर चिपका दिया। पुलिस की निष्क्रियता के कारण वह मकान बेचकर गांव छोड़कर जा रहे पीड़ित ने यह भी चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह सामूहिक आत्मदाह भी कर लेंगे। छपरौली थाना क्षेत्र के कुड़ी गांव के रहने वाले राजीव ने बताया कि 4 मई को वह अपने भाई, भतीजा, भाभी, पत्नी के साथ बैठे हुए थे, जिसके दौरान प्रधान पद के हारे प्रत्याशी परिवार के साथ लगभग एक दर्जन लोग घर में घुस गए और लाठी डंडे सरिये से तेज हथियार से हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया। घायलों के साथ भी अभद्र व्यवहार की घटना के बाद आरोपी मौके पर फरार हो गया। छपरौली थाना क्षेत्र के गांव कुड़नी का है। एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज की, जिसमें उसने बताया कि कोई प्रधान पद प्रत्याशी जिसके द्वारा वोट ना देने के कारण उसके साथ मारपीट की गई है, इसी संबंध में सुसागर धाराओ में मुकदमा लिखित दिया गया है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा नाम राजीव कुमार है, गांव कुरड़ी। हाँ जी, ये जो है 4 तारीख में मेरे शायद कुछ आदमी, मेरे यहाँ 12-13 आदमी गांव में घुस, मतलब घर पर घुस गए और मेरे साथ मारपीट आई करी। वो कह लगे बहन जो तुम्हें वोट ना देने सिखाऊंगे, तुम्हें प्रधान बनाऊंगे। खैर इतने नखरे हुए कमीन उमिन जाति सूचक शब्द कहे और जो है मारी शायद बार पिटाई करी दोनों भाइयों के साथ। मारी जो है मेरी दो भतीजी हैं उनकी साथ में जो है बदतमीजी करी, गाली धुपड़ दिया। तो गांव मोहल्ले पड़ोस के आदमी होंगे इकट्ठे से, जब जब गाली धमकी दे के भाजे हुए यहाँ से। हाँ जी, 4 तारीख में शाम 7 बजे करीब हमने यह घटना घटी। 8 बजे करीब हम वहाँ थाने पहुँचे तो हमने वहाँ शिकायत दर्ज करी और उसके बाद में हमारी कोई वो नहीं हुआ संतोष की भाई जो है कोई आरोपी नहीं उठाया हम लोग। ये इसमें लिखा जी कोई हमारे साथ कार्रवाई ना होने के कारण जो है हम गांव छोड़ने पर मजबूर हुए, क्योंकि गरीब आदमी का तो अगर पुलिस साथ नहीं देगी, गाँव वाले साथ नहीं देंगे तो क्या करेंगे जी। तो इसलिए हमें मजबूर हो गया जो है गांव छोड़ना पड़ रहा, और छोड़ देंगे जी जब हम सेफ नहीं रहने के, जो है हमारी लड़की सेफ नहीं रहने की तो हम गांव में रह कर क्या करेंगे। अब तक गांव का कोई भी आदमी ना कोई प्रशासन का आदमी आकर हमारे से ये पूछा भाई क्यों, क्या बात होगी, कैसे क्या बात है। तो इसलिए हमें मजबूर हो गया जी, गाँव छोड़ना पड़ रहा। छपरौली थाना क्षेत्र में गांव कुलडी में एक व्यक्ति ने ये शिकायत दर्ज कराई है थाने में, जिसमें उसने बताया कि कोई प्रधान प्रत्याशी था उसके द्वारा वोट न देने के कारण उसके साथ मारपीट की गई है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख दिया गया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।